नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक्जिमा एक बहुत ही खतरनाक रोग है। एक्जिमा में बहुत ही खुजली होती है और इसके साथ ही इसमें खुजलाने पर खून भी निकलने लगता है। एक्जिमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। त्वचा रोगों में इसे सबसे खतरनाक बताया जाता है। एक्जिमा जल्दी ठीक नहीं होता और धीरे धीरे त्वचा में बढ़ता रहता है। एक्जिमा में त्वचा में लाली आने के साथ ही सूजन एवं खुजली होती है। इस सबसे मिलाकर जो स्थिति बनती है उसे एक्जिमा कहते हैं। यह जीवन के लिए घातक अवस्था संक्रामण नहीं है, किंतु इससे रोगी अत्यंत अवस्थ या संकोचग्रस्त अनुभव कर सकता है। इस रोग से सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यह रोग जिस स्थान पर होता है उस स्थान की खूबसूरती बिगड़ जाती है। आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो पुराने से पुराने एक्जिमा को खत्म करने की ताकत रखता है। आइए जानते हैं उस उपचार के बारे में। एक्जिमा के उपचार के लिए 50 ग्राम एलोवेरा जेल में 4 विटामिन ई के कैप्सूल का अर्क निकालकर आपस में अच्छी तरह से मिला लें। अब इस पेस्ट को 2 दिन के लिए छाया में रख दें। इसके बाद इस पेस्ट को एक्जिमा के प्रभावित स्थान पर लगाएं। इस पेस्ट को नियमित लगाने से कुछ माह में ही एक्जिमा खत्म हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें, इसे नियमित लगाना बंद ना करें। अगर एक्जिमा ठीक हो जाए उसके बाद भी इसे उसी स्थान पर 10 दिन तक लगाएं।